सेकेंड मैथड, थर्ड मैथड, फोर्थ मैथड और सिक्स्थ मैथड, बीच के छोड़ रहे अपन। अरे समझे क्या? वैसे इसका नंबर आपके बुक में एनसीईआरटी में फर्स्ट है, अपन इसको सेकेंड पे ले रहे, सेकेंड को थर्ड पे, थर्ड को फोर्थ पे और सिक्स वाले को सिक्स पे। अरे समझा क्या? लेकिन सिक्स वाले को ऊपर ला ले रहे अपन, मतलब ये तीनों को अपन ने साथ में ले लिया। क्यों लिया साथ में? क्योंकि तीनों का मेन रिएक्शन सेम है, रिडक्शन, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन। समझा आपको? तो मैं इसको हेडिंग दे देता हूं यहां पर, रिडक्शन। क्या दे देते हैं यहां पर हम इसको? रिडक्शन। और इसका नंबर क्या दिया हुआ है आपके? सेकंड नंबर दिया हुआ है इसका, कहां पर? एनसीईआरटी में। हाँ सब लोग जागो जागो, हाँ इधर देखो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। याद रखो इसका रिडक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है नाइट्रो कंपाउंड्स का। क्यों होता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि नाइट्रो में जो लिंकेज होता है ना, एन डबल बॉन्ड ओ, फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, नाइट्रोजन तीन ही बॉन्ड बनाता है ना। अरे बोलो ना, तो ये देखो तीन बॉन्ड बनाया उसने, वन टू और ये थ्री, चौथा वाला उसने अपना लोन पे डोनेट किया ऑक्सीजन को, इसलिए प्लस चार्ज, और इसने एक्सेप्ट किया इसलिए माइनस। समझा? ये एक्स्ट्रा लोन पे दो रहते ना ऑक्सीजन के पास, ये दो एक्स्ट्रा थे और इसके अपने एक्स्ट्रा, मतलब माइनस चार्ज आएगा। तो दो ऑक्सीजन जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस याद है ना, लोन पेयर बनेगा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनेगा लोन पेयर, तो ये कैसे बन जाएगा? एन ओ, माइनस ऊपर चला गया और ये बन गया डबल बॉन्ड, फिर ये वापस आएगा लोन पेयर बनेगा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनेगा लोन पेयर, और ये सिलसिला जारी रहेगा, जिससे अपना नाइट्रो क्या बन जाता है रेजोनेंस की वजह से? स्टेबल। उसका बॉन्ड कभी इधर कभी इधर, माइनस चार्ज कभी इधर, हाफ चार्ज कभी इधर और कभी इधर। समझा क्या? जिस रेजोनेंस की वजह से क्या बन गया ये? स्टेबल। पप्पू चप्पू सब लोग इधर देखो, हाँ रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है, स्टेबल होने की वजह से इसका रिडक्शन आसानी से नहीं होता है, इसलिए यहां स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए? बच्चों बॉटल से मत खेलो, इधर देखो, हाँ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होना है यहां पर? हाँ तो यहां दो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आ रहे हैं, एक है टिन प्लस HCl, ऐसा देता नहीं है, याद रखो टिन का वैलेंसी दो भी होता है और चार भी होता है, कार्बन फैमिली का ही है, दो भी होता है और चार भी होता है। यहां पर जो है ये टिन लेते हैं हम कितने? तीन, और HCl लेते हैं सिक्स, यहां वैलेंसी इसकी दो रहने वाली है, मतलब एक टिन दो Cl लेके जाएगा, तो बोलो क्या बनाएगा? SnCl2, बराबर है? तो तीन टिन कितने Cl लेके जाएंगे? 3 × 2 = 6, SnCl2, गए पूरे Cl, अब 6 हाइड्रोजन बचे ना, अब 6 हाइड्रोजन बचे, इसको यहां लिख देते हैं ऐसा, 6 nascent हाइड्रोजन, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, इनको बोलते हैं nascent हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं? हाँ बताया था ना मैंने आपको, नेसेंट न्यूबॉर्न, जो एट द टाइम ऑफ रिएक्शन तैयार किए जाते हैं उसको बोलते हैं नेसेंट, न्यूली बॉर्न, क्या बोलते हैं इसको? जो बताया था ना मैंने आपको, याद है ना, भूल गए आप लोग? हाँ याद करना, बाद में रिवीजन करना, ठीक है। चलो इधर देखो सब लोग, ये 6 हाइड्रोजन रिडक्शन करने वाले हैं। देखो आपने लिया RNO2, एक और एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और Fe+HCl, कौन है? Fe+HCl, यहां Fe का वैलेंसी तीन है, फेरिक, Fe दो बॉन्ड भी बनाता है तीन भी बनाता है, दो बनाया तो फेरस, तीन बनाया तो फेरिक, तो यहां पर अपन लेंगे तीन नहीं दो, और ये लेंगे सिक्स, एक Fe के साथ तीन Cl गए, फेरिक क्लोराइड, क्या बन गया? तो दो Fe के साथ कितने जाएंगे? 2 × 3 = 8, पूरे 6 Cl चले गए,
FeCl3 पूरे हाइड्रोजन बचे सिक्स, ये बाहर निकल गए सिक्स हाइड्रोजन। यही वो हाइड्रोजन है जो रिडक्शन करते हैं आकर, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कैसे? देखो इधर, जैसे आपने लिया नाइट्रो RNO2, अब आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा लिखा हुआ आएगा टिन प्लस HCl, या फिर क्या लिखा आएगा बोलो बोलो, अरे बोलो ना, Fe+HCl, समझ जाना, छह हाइड्रोजन इंतजार कर रहे। या फिर एक और एक रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, याद है कि नहीं है? सिंपल, यहां पर छह हाइड्रोजन आने वाले, ये छह हाइड्रोजन कौन देगा, या तो ये देगा या तो ये देगा या तो ये देगा। आप बोलेंगे तो चार दिख रहे, लेकिन मोल्स ज्यादा रह सकते ना वहां पर, ठीक है? बस दो ऑक्सीजन को चार हाइड्रोजन, बीच में ऑक्सीजन, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, हाथ पकड़े खेलते हुए चले। अरे समझा गया, तो क्या बनेगा? अरे लॉजिकली फटाक से बोलने का ना, H2O, दूसरा वाला भी ऑक्सीजन, हाँ H2O, अब बच गया N और दो हाइड्रोजन RNH2। कॉन्ग्रेचुलेशन, प्राइमरी अमाइन तैयार है। कौन बना? अरे हैंग हो गए तुम। कौन बना? प्राइमरी अमाइन। कौन बना? प्राइमरी अमाइन RNH2। कौन बना? हाँ बन गया। अब चाहे एलिफैटिक हो, आगे का बोलो ना, या एरोमेटिक हो, ये सबको रिड्यूस करता है। नहीं उनको नहीं करता हूं, उनको देख रहे हो, उनको नहीं, उनको नहीं करता। इधर देखो, हाँ इधर देखो, एग्जाम्पल ले लो। चलो अब इतनी दूर आए तो एग्जाम्पल भी ले लेते अपन, ठीक है? इधर देखो, इधर एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 CH2 NO2। चलो चलो क्या ले सकते बोलो, टिन प्लस या Fe+HCl या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ सिक्स हाइड्रोजन लिखा हुआ नहीं आता है गुड्डू, इधर देखो, यहाँ पर इसको देने का चार हाइड्रोजन, इसको देने का दो हाइड्रोजन, क्या बनाएगा? इथाइल अमाइन प्लस 2H2O। बोलो बोलो क्या बना? इथाइल अमाइन फ्रॉम नाइट्रो इथेन। कैसे बना है? अब आप नाइट्रो प्रोपेन लो तो प्रोपेन अमाइन, नाइट्रो ब्यूटेन लो तो ब्यूटेन अमाइन। सिंपल, जहां NO2 दिखेगा उसको NH2 बना देने का, सिंपल। अब कितना बड़ा ग्रुप आने दो, 100 कार्बन वाला, नहीं आता लेकिन 100 कार्बन वाला, तो इधर देखो, ठीक है? सब लोग समझा? इब्राहिम समझा क्या? हाँ क्या? हाँ इधर देखो, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 2, एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या लेंगे? नाइट्रोबेंजीन। क्या लेंगे अपन? नाइट्रोबेंजीन। बोलो क्या क्या ले सकते हैं आप? टिन प्लस या फिर Fe+HCl या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। चार हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके जाएंगे, क्या बनाएगा? 2H2 प्लस दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, बोलो बोलो NH2, तो क्या बन गया? फिनाइल अमाइन, स्पेशल नेम एनिलीन। फिनाइल अमाइन कॉमन नेम, बेंजीन अमाइन IUPAC, एनिलीन स्पेशल, स्पेशल नेम कॉमन नेम, IUPAC नेम दोनों जगह यूज होता है, समझा? आगे बढ़ना है। अगर क्या, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एजेंट की जगह आपने स्ट्रॉन्ग, अरे कहाँ जा रहे हो खिड़की में से? अच्छा मोले वहां से जा रहे हो ना, ठीक है। हाँ अगर क्या, अगर क्या,
अगर आपने यहां पर एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लिए, क्या लिए? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट जो स्ट्रांग नहीं है, जैसे NH4OH with ZN या NH4Cl के साथ में, ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट? तो वर्ड में भी माइल्ड होना ना। हाँ, कौन है ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट? अगर आपने माइल्ड रिड्यूस, इतना माइल्ड बोल रहे हम, इधर देखो इधर। हाँ, माइल्ड बोलते बोलते खत्म हो गया माइल्ड पूरा, देख रहे हो इधर। हाँ, अगर अपने लिए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, क्या लिया अपने? तो इसमें मिलेंगे आपको ओनली 4 नेसेंट हाइड्रोजन। कितने मिलेंगे? अब मैं थोड़ा सा क्लियर करने को इसको ऐसे लिख देता हूं। क्या ये NO2 है? अरे बोलो ना, क्या ये NO2 है? यहां पर प्लस आता है और ऑक्सीजन पे माइनस। आपको पता है ये चार हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके जाएंगे, तो बोलो क्या बनेगा? H2O। समझा? अब कितने हाइड्रोजन बचे? अरे भाई, दो हाइड्रोजन गए ना, अब कितने बचे? एक हाइड्रोजन यहां जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां जाएगा, तो बोलो क्या बनेगा? रिंग NHOH। देखो रिंग NHOH, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या बोलते हैं इसको? फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एन हाइड्रोक्सिल एनिलीन बोल सकते ना। ये रिंग और एनएच क्या एनिलीन रहता है ना, एनिलीन के नाइट्रोजन पे ओएच लगा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं इसको एन हाइड्रोक्सिल एनिलीन। एन नाइट्रोजन वाला एन हाइड्रोक्सिल एनिलीन बोल सकते हैं। तो ये होता है, चाहे आप एरोमेटिक लो या एलिफेटिक लो, माइल्ड वाला लिया तो हाइड्रोक्सिल अमाइन बनने वाला है। समझा? नो प्रॉब्लम। रिडक्शन में पहला वाला रिडक्शन हुआ, अभी नेक्स्ट वाला रिडक्शन देखेंगे हम। रिडक्शन के अंदर सेकेंड वाला रिडक्शन,